Assalamu alaikum. I'm clinical dietitian Ayesha Nasir and I work at Novimed Clinic. आज का हमारा टॉपिक होगा सब आवाम का बहुत ज़्यादा जो मसला बन रहा है वो है स्किन के लिए. स्किन के ग्लो के लिए हमें किस किस्म की डाइट इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी ऐसी अशिया खाएं कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करे, क्या कोई ऐसी ड्रिंक है जो कि पीने के बाद स्किन काफ़ी हद तक बेहतर हो जाए. और फिर आगे शादियों का सीज़न आ रहा है, जो ब्राइड्स हैं वो काफ़ी कॉन्शियस हैं इस चीज़ को लेकर. ब्राइड जो हैं वो अक्सर जब डाइट प्लान लेने आती हैं तो साथ कहती हैं देख लीजिएगा मेरी शादी है, स्किन का कोई मसला ना बने या स्किन के ग्लो के लिए भी कुछ बता दें. तो ये वाली वीडियो उन सब ब्राइड्स के लिए भी और आम आवाम के लिए भी है जो चाहते हैं उनकी स्किन बेहतर हो जाए या उनकी स्किन के मसले काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाए. पहली चीज़ तो मैं बताती चलूँ कि अगर कोई जल्द से रिलेटेड बीमारी है तो फिर वो कोई बीमारी इस ड्रिंक से या इस डाइट से ठीक नहीं होगी. हाँ, अगर आपकी स्किन वैसे ही डल है न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से या वैसे बचपन से आपका रंग पीला है या कोई इस तरह का मसला है तो वो इस डाइट से काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा. कोई किसी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है ये, लेकिन वैसे ग्लो के लिए ये डाइट जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है. सबसे पहली चीज़ इसमें आती है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हम बचपन से सुनते भी आ रहे हैं कि स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, विटामिंस बहुत ज़्यादा होते हैं जो हमारी स्किन को एक ग्लो देते हैं. लेकिन अब जो बंदा वेट लॉस भी कर रहा है और जो स्किन को भी अच्छा करना चाहता है वो क्या करे, क्योंकि मैंने देखा है ख़वातीन स्पेसिफ़िकली प्रेगनेंसी के बाद वो क्या करती हैं, वो बहुत ज़्यादा सेल्फ स्टार्वेशन पे जाती हैं, ख़ुद को भूखा रखती हैं ये सोच के कि हम डाइटिंग पे हैं. उससे उनके चेहरे पर छाइयाँ भी पड़ना शुरू हो जाती हैं, काले धब्बे भी, एक स्याही भी आना शुरू हो जाती है, रंग भी पीला होना शुरू हो जाता है और वज़न भी वहीं का वहीं रहता है. सो जो लोग वज़न भी कम करना चाह रहे हैं और जो लोग चाह रहे हैं कि साथ में उनकी स्किन भी बेहतर हो जाए, उनके लिए सबसे पहली चीज़ आती है डिटॉक्स वाटर. क्यूकम्बर, मिंट, इलायची थोड़ी सी डाल के, जिंजर, गार्लिक, ये सारा कुछ डाल के आपने रात को रख देना है. सुबह उठ के उसमें लीमू निचोड़ने के बाद आपने ये ड्रिंक इस्तेमाल कर लेनी है. 1.5 लीटर की बॉटल के अंदर कोई मैं क्वांटिटी नहीं बता रही, हस्बे जायका. क्यूकम्बर है तो वो आप एक डाल लें, अगर आपको एक क्यूकम्बर बहुत ज़्यादा लगता है तो आप एक सिर्फ उसकी स्टिक डाल सकते हैं. क्वांटिटी सारी डिपेंड करती है आपके ऊपर और आप पानी कितना ले रहे हैं. 1.5 लीटर की बॉटल के अंदर आधा क्यूकम्बर, अगर आप मुझसे पूछेंगे मैं कितना डालती हूँ, आधा क्यूकम्बर जो है वो काफ़ी होता है. इसी तरह गार्लिक के आप 2 क्लोव डाल सकते हैं. अगर हम जिंजर की बात करें तो आप 2 इंचेस की स्टिक या 1-1 इंचेस की 2 स्टिक उसके अंदर डाल सकते हैं. पुदीना वॉश करने के बाद एक जो डंडी होती है पुदीने की आप वो डाल सकते हैं. एंड लीमू हस्ब जायका, अगर मुझसे पूछेंगे 1.5 लीटर बॉटल के अंदर 1 लीमू निचोड़ लें. क्वांटिटी इसमें इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, ये जो चीज़ें हैं ये आपने हस्बे जायका सोख करके रख देनी है. सुबह उठ के लीमू निचोड़ के आपने ये ड्रिंक पूरा दिन इस्तेमाल करते रहना है. पानी की जगह पे आपने यही डिटॉक्स ड्रिंक इस्तेमाल करनी है. सबसे पहली तो ये आ गई. दूसरी आती है ब्राइड्स के लिए, जो ब्राइड्स वेट कॉन्शियस भी हैं और चाहती हैं स्किन भी ग्लो करे, ये ड्रिंक स्पेसिफ़िकली उनके लिए है. ABCD ड्रिंक इसको हम कहते हैं, एप्पल, बीटरूट, कैरेट ड्रिंक. एप्पल का जूस ले लें या एप्पल को आप वैसे ही ब्लेंड कर लें. अगर तो आप मेरे जैसे हैं जिसको खाने पीने का इतना शौक नहीं है, जो सामने आ जाए बस खा पी लिया, सो उस केस में आप पूरा का पूरा एप्पल, 1 कैरेट और बीटरूट ब्लेंडर में डाल के उसमें 1 गिलास पानी डाल दें और उसको बस ब्लेंड करके नाक बंद करके पी जाएं. क्योंकि मुझे तो नाक बंद करने की ज़रूरत ही पड़ती है, मगर वही अगर आप बहुत ज़्यादा पिकी ईटर नहीं है, बहुत ज़्यादा नखरा नहीं है आपका, तो आप ब्लेंडर में सबको ब्लेंड करके पी सकते हैं. लेकिन अगर आप पिकी ईटर हैं, आपको होता है कि नहीं खाने का जायका बहुत ज़्यादा मैटर करता है, फिर आप 1 सेब का जूस निकाल लें, 1 चुकंदर का जूस निकाल लें और 1 कैरेट का जूस निकाल लें. इन तीनों को मिक्स करके और हो सके तो इसमें लीमू भी निचोड़ लें. इस सबको मिक्स करके आपने पी लेना है. ब्राइड्स के लिए ये इंतहाई इफेक्टिव है. सुबह उठ के निहार मुँह इसका इस्तेमाल करें. स्किन की पिगमेंटेशन को भी ये कम करने में फ़ायदेमंद साबित होगी, स्किन के ग्लो के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी. देखिए, स्किन अगर येलो हो जाती है, स्किन का कलर अगर पेल हो जाता है, तो सबसे बड़ी वजह आती है आयरन की कमी, खून की कमी, जो हम समझते भी नहीं हैं और हम इतना ज़्यादा इन चीज़ों पर ध्यान भी नहीं देते. इस ड्रिंक से खून की कमी का मसला काफ़ी हद तक कम होगा. ज़ाहिर है बाकी डाइटरी मॉडिफिकेशन में मटन का इस्तेमाल करें, बीफ का जितना हो सके इस्तेमाल करें, खुश्क उबानी का इस्तेमाल करें, इंजीर का, खजूर का इस्तेमाल करें. लेकिन अगर सिर्फ ड्रिंक की बात करें तो ABCD जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है ब्राइड्स के लिए और बहुत ज़्यादा उनकी स्किन को बेहतर करने में फ़ायदेमंद साबित होती है. हाँ, जो ब्राइड्स वेट कम करना चाह रही हैं वो इसको दिन में 1 से ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल ना करें. जो ब्राइड्स वेट कॉन्शियस नहीं है, जो अपने आइडियल वेट में है, वो इसको दिन में जितनी दफ़ा चाहें इस्तेमाल कर सकती हैं. 2-3-4 दफ़ा इसको मैक्सिमम इस्तेमाल किया जा सकता है. अगर टाइमिंग्स पूछेंगे तो एम्प्टी स्टोमिक
एम्प्टी स्टोमिक आप जो चीज़ लेंगे उसकी एब्जॉर्प्शन सबसे ज़्यादा होती है. सो सबसे पहले तो आप एम्प्टी स्टोमिक ले लें, फिर नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान, दोपहर के खाने रात के खाने के दरमियान सोने से पहले इस ड्रिंक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ये स्किन पर ग्लो लाने के लिए इंतहाई ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है. इसके अलावा अब हम बात करें कि बाकी कौन सी चीज़ें हैं जो स्किन के ग्लो के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो एक हेल्दी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है. ओमेगा 3 को हम बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं, हम हेल्दी फैट्स को बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करते हैं. हमें पाकिस्तान में तो हमें कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि हेल्दी फैट्स हैं क्या और उनका स्किन पे कितना पॉजिटिव इफेक्ट है, हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है. अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन बेहतर हो जाए, बादाम, अखरोट, काजू वगैरह का बाकायदगी से इस्तेमाल करें. अपनी डाइट में 7 बादाम या 2 अखरोट दिन में कम अज़ कम ज़रूर रखें. और फिर एक ये जो कॉन्सेप्ट है, पाकिस्तान में बादाम गर्म होते हैं, अखरोट गर्म होते हैं, इनको गर्मियों में नहीं लेना, इनको सितंबर में नहीं लेना, अक्टूबर में नहीं लेना, ये सब गलत है. बादाम अखरोट आपको पूरा साल चाहिए, गर्म ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता. हाँ, अगर आप 1 किलो बादाम, इनफैक्ट ये हुआ मेरे साथ परसों, मैं लेके आई नट्स और मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ, मैं कंसल्टेशन कर रही थी साथ साथ एक एक खाते खाते, तो मैंने एक पाव बादाम जो है वो खा लिया और उसके बाद मेरी अपनी तबीयत भी ख़राब हो गई. मेरा ब्लड प्रेशर जो था वो थोड़ा सा हायर साइड पे चला गया. सो मेरे वाली गलती नहीं करनी, बादाम 7 बादाम अलहदा प्लेट में निकालें ताकि आपको कम अज़ कम पता तो चले आप कितना खा रहे हैं. सो बादाम अखरोट जो हैं वो आपने बाकायदगी से इस्तेमाल करने हैं. 2 अखरोट इस्तेमाल कर लें या 7 बादाम इस्तेमाल कर लें या 3 से 4 काजू आप इस्तेमाल कर सकते हैं. ये स्किन के लिए बहुत अच्छे हैं. ओमेगा 3 का सोर्स है हमारी स्किन के, आप ये कह सकते हैं हमारी स्किन की कई खूबसूरती के लिए या उसकी अच्छी बिल्ड के लिए इंतहाई ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं. इसके अलावा विटामिन सी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. विटामिन सी की अफादियत में मैं अक्सर बात भी करती हूँ कि ये कुव्वत मुदाफ़त के लिए बहुत अच्छा है, ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है. विटामिन सी हमारी स्किन के लिए, आप ये समझें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आती है हमारी डाइट में वो विटामिन सी आता है. और अनफॉर्चुनेटली होता है कि हम लोग विटामिन सी की दवाइयाँ तो ले रहे होते हैं, हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, वो विटामिन सी लिख के देते हैं, हम दवाइयों पर दवाइयाँ खाते हैं लेकिन हम अपनी डाइट में विटामिन सी शामिल नहीं करते. टमाटर बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन सी का, सलाद में टमाटर का इस्तेमाल करें. अगर आपसे सलाद की फॉर्म में नहीं खाया जाता तो आप टमाटर किसी और चीज़ में ऐड कर सकते हैं, जैसे पास्ता अगर आप घर में बनाएं आप टोमेटो प्यूरी के अंदर बना लें, वो विटामिन सी रिच आपका एक मील बन जाएगा जो कि आपके स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा. आप खाने के अंदर जितना हो सके आप टमाटर बढ़ा दें, ज़रूरत से ज़्यादा नहीं, लेकिन टमाटर का इस्तेमाल जो है वो आप सालन में जितना करते हैं उसको सिर्फ डबल करते हैं, उससे विटामिन सी आपकी डाइट में ऐड हो जाएगा. लेकिन एक चीज़ समझनी है कि कुकिंग के बाद विटामिन सी वैसा नहीं रहता जैसे रॉ विटामिन सी है. सो बेहतर यह है कि आप टमाटर सैलड की फॉर्म में खाएं, नहीं खाया जाता तो फिर आप हांडी में टमाटर की मकदार बढ़ा दें. शिमला मिर्चें बहुत अच्छी हैं, अगेन अगर आप उसको अनकुक फॉर्म में ले सकते हैं शिमला मिर्चों को तो ज़्यादा बेहतर है. कुछ लोग होते हैं वो कच्ची शिमला मिर्च नहीं खा सकते तो वो हल्का सा उसको सौते कर लें. अगर सौते करके भी नहीं खाया जाता आपसे तो आप उसका सालन बना के भी खा सकते हैं. मैं फिर कह दूं कि कुकिंग के बाद विटामिन सी में वो बात नहीं रहती जो रॉ चीज़ में रहती है, लेकिन कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है. सो आप उसको कुक करके भी खा सकते हैं. तीसरा विटामिन सी का जो हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स आता है वो आता है लीमू. लीमू के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो दोनों ड्रिंक्स मैंने बताई उनमें लीमू आता था. लीमू आप सैलड पर डाल के खा सकते हैं, एम्प्टी स्टोमिक लीमू का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन इस चीज़ को समझ लें, अगर आप एम्प्टी स्टोमिक लीमू लेते हैं तो एसिडिटी और तेजाबियत या सीने में जलन का मसला हो सकता है. लीमू जो है वो हर एक को सूट नहीं करता. अब हम फ्रूट्स की बात करें, आजकल अमरूद अवेलेबल है. अमरूद विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, बड़ा अंडर एस्टिमेटेड सोर्स है. हमें पता ही नहीं अमरूद के अंदर विटामिन सी की एक अच्छी खासी मकदार मौजूद होती है. सो अमरूद का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा अगर आजकल हमारे पास जो फ्रूट अवेलेबल हैं हम उनकी बात करें तो ऑरेंजेस आने वाले हैं. ऑरेंजेस विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, बल्कि मौसमी तो आजकल नज़र भी आ रहे हैं. जितने हमारे सिट्रिक फ्रूट हैं वो सारे के सारे विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है. इन सब का इस्तेमाल जो है वो बाकायदगी से करना चाहिए. कोशिश करें हफ्ते में 4 दफ़ा कम अज़ कम ज़रूर कोई सिट्रिक फ्रूट खा लिया करें, जैसे मौसमी हो गया, किन्नू हो गया, इनका इस्तेमाल हफ्ते में कम अज़ कम 4 दफ़ा ज़रूर कर लिया करें. अब हम बात करते हैं आयरन डेफिशिएंसी की, क्योंकि आयरन डेफिशिएंसी जो है वो पेल स्किन की वजह बन सकती है, जिसे कहते हैं स्किन पे येलो, जो आपकी स्किन येलो हो जाती है या स्किन पे जो पिलाहट आ जाती है वो आयरन की कमी की वजह से हो सकती है. आयरन के लिए सबसे पहली चीज़ आती है कि आपने बीफ मटन का इस्तेमाल बाकायदगी से करना है. हफ्ते में कम अज़ कम 2 दफ़ा बीफ मटन का इस्तेमाल करें. दालें आयरन का बहुत अच्छा सोर्स हैं, दालों का इस्तेमाल किया जा सकता है.
लाल लोबिया, काले चने आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। खुशखुबानी की ड्रिंक बना के भी ली जा सकती है। आप खुशखुबानी पानी में भिगो के रखते हैं सुबह उठ के, वो ड्रिंक पी लें, या आप आलू बुखारा, जो खुश्क आलू बुखारा है, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खुश्क आलू बुखारा भी आयरन का अच्छा सोर्स है। इसके अलावा उसको भी आप रात को भिगो के रखते हैं, सुबह उसकी ड्रिंक पी जा सकती है। अगर हम बाकी उसके सोर्सेज में देखें, अंजीर और खजूर जो है वो आयरन के अच्छे सोर्सेज में आते हैं, इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सीड्स की अगर हम बात करें तो तुख मलंगा में भी आयरन की कुछ मकदार पाई जाती है, आप तुख मलंगा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अब एक इस पूरे सेशन को मैं वाइंड अप कर दूँ। सैलड का इस्तेमाल बाकायदगी से ज़रूर करें, उसके ऊपर विटामिन सी के लिए लीमू डालें और उसके अंदर कोशिश करें शिमला मिर्च और टमाटर का ज़रूर इस्तेमाल करें। फ्रूट्स का इस्तेमाल बाकायदगी से करें, सिट्रिक फ्रूट ज़्यादा बेहतर है, लेकिन आप जितने फ्रूट्स लेंगे वो सारे के सारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का सोर्स हैं, सो सारे फ्रूट का इस्तेमाल करें। दूध दही का इस्तेमाल भी ज़रूरी है, ऑल्दो बहुत ज़्यादा स्किन से हम उसको रिलेट नहीं कर सकते, ज़्यादा हड्डियों से रिलेट किया जाता है क्योंकि कैल्शियम का ज़्यादा अच्छा सोर्स है, लेकिन दूध दही बहरहाल हमारी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बादाम का, अखरोट का, यानी नट्स का इस्तेमाल जो है वो बाकायदगी से करना चाहिए। इसके अलावा जो हमारी डाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए, खुद से सेल्फ स्टार्वेशन नहीं करनी, खुद से डाइट पर नहीं रहना। थैंक यू सो मच।